यार अभी वो संस्कृत वाला शास्त्री आया नहीं, लग रहा है आज नहीं आएगा। मुझे भी लग रहा है नहीं आएगा आज। ऐसा कर, तो उसकी कॉपी बहुत बढ़िया करता है, तू जाके मास्टर बन जा उसकी जगह पर। तुम लोग जितना मुझसे बच सकते हो ना बचो। हाँ यार ऐसे ही बोलता है शास्त्री, वाह कितनी अच्छी कॉपी करता है तू। हाँ यार जब वो डंडे से मारता है तो चोट भी नहीं लगती है। मुझे तो लगता है ना कि जब वो हमें मारता है तो हमसे ज्यादा मास्टर को खुद चोट लगती होगी। हाँ मुझे भी लगता है। मैं तो बस यही कहता हूँ कि मुझसे जितना बच सकते हो बचो। चल समोखन खड़ा हो जा। लेख सुना, ऐसे सुना, ये सुना, वो सुना, फलाना सुना, धमकाना सुना, अर्जी सुना, फर्जी सुना, पता नहीं क्या क्या बोलता है। पूरी क्लास में साला मैं ही इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा लगता हूँ उसे। कौन यार, तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? अरे यार वो अपना दूसरा मास्टर गंजा। गंजा? हाँ गंजा, वो चश्मेश गंजा। वो आते ही बोलेगा, मैं कहता हूँ मुझसे जितना बच सकते हो बचो, वो मास्टर सही नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया मास्टर। नहीं, तो उसका पालतू कुत्ता है, तो चमचा बना हुआ है उसका गंजे का। नहीं, बहुत बढ़िया मास्टर जी हैं, बहुत बढ़िया मास्टर जी हैं। मैंने तो उनके जैसा कोई मास्टर देखा ही नहीं अभी तक। तो ना, तो उसका चमचा बना हुआ है, तुझसे तो वो अपनी साइकिल साफ करवाता है। आगे चल के देख लेना वो तुझसे अपना क्या क्या साफ करवाएगा। नहीं भाई ऐसे मत बोलो, वो हमारे गुरु हैं, गुरु, वो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं हमें। पागल है का बे, उसको तो अपना ही कुछ नहीं आता है, वो क्या पढ़ाएगा। वो तो बस क्लास में आएगा और बोलेगा, मैं कहता हूँ कि मुझसे जितना बच सकते हो बचो। नहीं भाई तुम मास्टर जी को बहुत गलत समझ रहे हो, वो ऐसे नहीं है। तुम लोग को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं सब जानता हूँ उस गंजे के बारे में। वो ना उसका चक्कर चलता है ड्राइंग वाली मैडम के साथ। गुड मॉर्निंग सर। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरी सीट पे बैठ के मेरा कॉपी कर रहा है तू। मैं तो बस इतना कहता हूँ मुझसे जितना बच सकते हो बचो, लेकिन तुम लोग बचते ही नहीं हो। नहीं मास्टर जी, मैं आपके कदमों पर चलना सीख रहा था, मास्टर खेल रहा था जी, क्योंकि कल अगर मेरे जैसा कोई मास्टर बन गया तो उसे पढ़ाने का तजुर्बा तो होना ही चाहिए ना सर। ये मुंह और मटर की दाल, मैं तो बस इतना कहता हूँ मुझसे जितना बच सकते हो बचो, चल जाके अपने सीट पे बैठ जा। मास्टर जी एक बात पूछना है, वो जो आपके ऊपर एंटीना लगा है उससे कौन सा चैनल पकड़ता है? मास्टर जी आप नए साल की रात को बाहर मत निकलना, कहीं कोई शरारती बच्चा आलू बम समझ के आग ना लगा दे। चुप करके बैठ जाओ, मैं तो बस इतना ही कहता हूँ मुझसे जितना बच सकते हो बचो। चल समोखन तू खड़ा हो जा और मुझे दशहरे पे एक निबंध सुना। डट, हर बार मुझे ही खड़ा करेंगे, जितने भी आते हैं सब मुझसे ही सुनते हैं, मैं ही सबसे इंटेलिजेंट यहाँ पे हूँ, बाकी सब यहाँ चूतिया बैठे हैं। मैं तो तेरे से बस इतना ही कहता हूँ कि तू मुझसे जितना बच सकता है बच, नहीं तो बाहर जा। अच्छा सुना देता हूँ, गर्मियाँ हो मत ज्यादा। दशहरा बहुत ही बढ़िया होता है, दशहरा बहुत ही अच्छा त्योहार होता है, इस दिन मिठाई मिलती है। दशहरे के 10 दिन पहले से हम शाम को ट्रायली भर के रामलीला देखने जाते हैं, उस दिन का बहुत ही इंतजार होता है, जिस दिन हनुमान जी लंका में केला उखाड़ते हैं और जनता में केला बांटते हैं। पिछले साल मेरे हाथ में एक भी केला नहीं आया था, पर इस बार मैंने बहुत ही केला खाया है। इस दिन रावण और मेघनाथ और तीसरा जो मोटा होता है कुंभकर्ण, उसके पुतले बनाए जाते हैं, उनके पता नहीं कौन कौन सी जगहों पर बम भी फिट किया जाता है, फिर उनके पेट में तीर मारा जाता है, फिर पता नहीं कहां कहां से रॉकेट निकलता है। पिछली बार हमारे गांव में चंदा इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा रावण बनाए थे, जिसमें पता नहीं कहां कहां रॉकेट छिपाए थे, लेकिन उसको हमारे विरोधी पार्टी वाले जो दूसरे गांव में रहते हैं वो 3 दिन पहले ही आग लगा गए थे। डॉट, ये क्या था रे, तू अपने घर का दशहरा यहाँ पे सुना रहा है? मैं तो बस यही कहूँगा कि तू मुझसे जितना बच सकता है बच और चुप करके बैठ जा, अब तू खड़ा हो जा और मेरे को दिवाली पे लेख सुना। और मैं बस इतना ही कहता हूँ कि तू मुझसे जितना बच सकता है तू भी बच। दिवाली का लेख? मास्टर जी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्यों, अभी अभी दशहरा मनाए हैं और इतनी जल्दी आ गई दिवाली? 20 दिन रुक जाओ फिर सुना दूंगा। मैं तो बस इतना ही कहूंगा मुझसे जितना बच सकता है तू बच। पप्पू
मैं संस्कृत के कुछ श्लोक बोल रहा हूँ जिसका हिंदी में अर्थ बता। पूछिए सर। कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन। सर राधिका शायद रास्ते में फल बेचने का काम कर रही है। मूर्ख ये अर्थ नहीं है। चल इसका अर्थ बता। बहुनी में व्रतान जन मानित चार जून। सर इसका मतलब मेरी बहू के कई बच्चे पैदा हो चुके हैं, सभी का जन्म 4 जून को हुआ है। मैं तुझसे बस इतना ही कहता हूँ जितना मुझसे बच सकता है बच। चल इसका अर्थ बता। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। सर इसका अर्थ है तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति से मिलने जा रहा हूँ। अरे गधे, संस्कृत पढ़ता है कि घास चढ़ता है। चल अब इसका अर्थ बता। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात मजा। सर इसका अर्थ है दक्षिण में खड़े होकर लक्ष्मण बोला, जनक आजकल तू बहुत मजे में है। अरे पागल, तुझे एक भी श्लोक का अर्थ नहीं मालूम है क्या? मालूम है ना सर, पूछिए तो। तो आखिरी बार पूछता हूँ, इस श्लोक का सही सही अर्थ बताना और तुम मुझे जितना बच सकता है बच। हे पार्थ, तू आज चापी मम चापी, क्या अर्थ है जल्दी से बता। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हाँ शाबाश, बता क्या कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन से। अर्जुन तू भी चाय पी ले, मैं भी चाय पी लेता हूँ, फिर युद्ध करेंगे। संताया 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 संताया। शांता जी आप, नमस्कार नमस्कार, आप यहाँ कैसे? आज क्रिसमस है, मैं सभी बच्चों की मनोकामनाएं पूरी करने आया हूँ। बच्चों जो तुम्हें मांगना है मांगो, आज मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करूँगा। ये सब कहने की बातें हैं, मैं जो मांगूंगा दोगे? हाँ मिलेगा, तुम जो मांगोगे तुम्हें भी मिलेगा। मुझे गायब करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें बहुत शक्ति है। ये लो। गिली 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 ठुस। मैं गायब हो गया, मैं गायब हो गया, मैं गायब हो गया, किसी को नहीं दिख रहा हूँ मैं। जी सर, आप कहाँ गए सर? कहाँ गए, मुझे तो दिख ही नहीं रहे, कहाँ चले गए सर आप? दिख तो रहे हैं। चुप 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 चुप। मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, कौन देखता है ओ भाई कौन देखता है? मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मैं चाहे जो करूँ कौन देखता है? गायब हो गया मुझे कौन देखता है, इसीलिए तो मैं कहता था कि मुझसे जितना बच सकते हो बचो। कौन देखता है भाई कौन देखता है? मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मैं चाहे जो करूँ मुझे कौन देखता है? अरे गंजा पागल हो गया, गंजा पागल हो गया। बैठ जाओ। ओके बच्चों, आज आप लोगों का दूसरा पेपर है और ये पेपर केवल 1 घंटे का है। बाकी आपको पेपर याद हो या ना याद हो, लेकिन ये चीजें जरूर याद होनी चाहिए, जैसे कि नो मोबाइल फोन, नो कैलकुलेटर, नो किसी से बात करना और ना किसी से कोई चीजें मांगना, और वेरी इंपॉर्टेंट नो चीटिंग, क्योंकि मुझे नकलची पसंद नहीं है। अगर कोई नकल मारता हुआ पकड़ा गया तो उसका पेपर कैंसिल हो जाएगा और उसको लात घुसे अलग से पढ़ेंगे। सो कंसंट्रेट ऑन योर पेपर। सभी को क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिल गया है? हाँ जी। तो बच्चों, जिसको भी आप अपने पूरे दिल से मानते हैं उसका नाम लेकर पेपर स्टार्ट करें। तो बच्चों, मैं आप लोगों को ठीक गलत यानी कि ट्रू और फॉल्स करवा देता हूँ, बाकी आप अपने आप ही कर लेना, ठीक है? मास्टर जी, ठीक गलत जो है ना वो हम अक्कड़ बक्कड़ करके पता कर लेंगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। आप ऐसा कीजिए 20-20 नंबर वाला करवाइए तो कोई फायदा भी होगा। अच्छा, तो ठीक और गलत तुझे सब आता है, चल खड़ा होना। तो चल पहला जवाब बता, टिकटॉक वाले अपने आप को बॉलीवुड स्टार समझते हैं, ये कथन सही है या गलत है? चल दूसरा बता, अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? चल तीसरा बता, राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे?
नहीं आता ना तेरे को, एक भी क्वेश्चन तेरे को नहीं आता ना, अब मैं पूरी क्लास को कुछ भी नहीं बताऊंगा और किसी को नकल भी नहीं मारने दूंगा। तो चुपचाप सारे बैठ के अपना पेपर करो, कोई इधर उधर किसी से बात नहीं करेगा तो हड्डियां खींच लूंगा उसकी मैं। खड़ा हो, नकल मार रहा ना तू, कहां से देख रहा है बता, कहां से देख के नकल मार रहा तू बता। नहीं सर, मैं नकल नहीं मार रहा हूं सर। दिखा, वो पीछे का छिपा रहा है, छिपा, दिखा बोलो, दिखा। मोबाइल लेके आया है तू, है मोबाइल लेके आता है तू, बोल। पेंसिल, तेरा पेपर कैंसिल। चल गट्टा उठा और भाग यहां से, निकल भाग यहां से, उठा गट्टा। तमोखन, तू भी नकल मार रहा है? नहीं सर। मार तो रहा है सर, अपने पीछे देखिए, वो नकल मार रहा है। कौन? लास्ट बार बोल रहा हूँ, अभी भी मौका है, अगर किसी के पास मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या पर्ची नकल मारने वाली कोई भी सामान है तो निकाल दो, वरना अगर पकड़ा गया तो सीधा फेल कर दिया जाएगा। तुम क्यों गुमसुम बैठे हो, क्या हो गया, कंफ्यूज क्यों हो, अपना पेन भूल गए हो क्या, कुछ लिख नहीं रहे हो, रोल नंबर भूल गए हो क्या, कैलकुलेटर भूल गए हो क्या? अरे चुप हो जा मास्टर, इधर मैं गलत सब्जेक्ट की पर्चियां ले आया हूँ और तुझे पेन पेंसिल की आग लगी हुई है। लाया है तो छुपा के रख, बता क्यों लाया। खड़ा हो, कहाँ से देख के लिख रहा है, पर्ची है ना तेरे पास? नहीं जी मास्टर जी, मेरे पास कोई पर्ची नहीं है। निकाल, जहाँ से देख के लिख रहा है निकाल। ये लीजिए जी, इतनी ही थी। वेरी गुड, अभी भी कुछ है तो वो भी निकाल दे, जल्दी कर। ये लीजिए सर, और कुछ नहीं। अच्छा, पूरी गाइड रखा हुआ है, और भी कुछ है तो निकाल दे अभी। नहीं सर, अब कुछ भी नहीं है सर। निकाल दे अभी, लास्ट मौका दे रहा हूँ, निकाल दे अभी, मौका है तेरे पास बचने का। ये लीजिए सर, ये भी था, मोबाइल फोन भी था, और भी कुछ है तो निकाल दे, लास्ट बार बोल रहा हूँ, इसके बाद सीधा तू बाहर जाएगा। खड़े हो जाइए जी। ये कौन है रे, ये किसको उठा के लाया है? ये हमारे ट्यूशन वाले मास्टर जी हैं। क्या, चल तू भी बोल पेंसिल। नहीं जी नहीं बोलूंगा। बोल रहा हूँ बोल पेंसिल। नहीं जी नहीं। बोल पेंसिल। पेंसिल, तेरा भी पेपर कैंसिल। चल भाग यहाँ से। ओ समोखन, पेपर लुकवा ले, तेरे पीछे वाला तेरे पेपर में देख रहा है। क्या यार, अभी तो हम कुछ लिखे ही नहीं है, पूरा पेपर खाली है। क्या हुआ, क्यों नहीं लिख रहा है पेपर तू? जिसके भरोसे मैं आया था ना, उसका पेपर कैंसिल आपने करके उसको भगा दिया है। भाई मेरे को कुछ नहीं आता भाई, पहले का आंसर बता दे कौन सा इसमें से। पहला वाला लगा दिया, दूसरे का कौन सा है भाई? पहला वाला, ये भी लगा दिया भाई, तीसरे वाले का कौन सा है? पता नहीं। क्या, तीनों का नहीं पता? भाई मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया यार, मैं फेल हो जाऊंगा, बता दे यार। अरे यार, मेरे को अभी पेपर कर लेने दे, बाद में पूरा पेपर करवा दूंगा, टेंशन मत ले। भाई मुझे भी दिखा दे, मैंने भी कुछ नहीं किया है, मुझे भी दिखा दे भाई। अरे यार, मेरा पेपर हो जाएगा उसके बाद तेरे को सारा कुछ बता दूंगा। ओए, मेरे को भी दिखा दे यार, मैंने भी कुछ नहीं किया है, बता दे। मेरा पेपर हो जाने दे, फिर मैं तेरे को भी बता दूंगा। सारे बच्चे चुप करके बैठ जाओ, अपना अपना पेपर करो, फ्लाइंग वाले आ गए हैं। तो देखा बच्चा, पिछले स्कूल में मैंने बहुत सारे केस बनाए हैं, इतने केस बनाए हैं कि मुझे खुद ही नहीं याद है कि मैंने कितने केस बनाए हैं। तो मैं तुम्हारे स्कूल में कोई केस नहीं बनाना चाहता, अपनी अपनी पर्ची निकाल के चबा लो। हम कोई फ्लाइंग वाले नहीं हैं, हमको प्रिंसिपल ने भेजा था। सर जी, मेरा पेपर हो गया है, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई कहाँ जा रहा है भाई, मेरा भी करवा दे। भूल जाना तू मुझे, जिंदगी संवारना। भूल जाना तू मुझे, जिंदगी संवारना। याद ना करना मुझे।
मेरा भी हो गया सर, मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया, मैं भी जा रहा हूँ सर। Ah!